उत्तर प्रदेश की बात, क्योंकि यूपी में ऐसे मदरसों से सवाल पूछे जाने का अभियान शुरू हो चुका है जो मान्यता प्राप्त नहीं है। जोर शोर से जारी इस अभियान की रिपोर्ट हर जिले में अगले महीने शासन को भेजी जानी है। अब मदरसों से सवाल है तो सियासी बवाल होना लाजमी है। करते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत। आप देखें, यूपी में मदरसों के सर्वे पर जोर। बुलंदशहर से बहराइच और बॉर्डर तक मचने लगा शोर। ये तस्वीरें यूपी के अलग अलग शहरों में हो रहे मदरसों के सर्वे की हैं। यूपी सरकार के आदेश के बाद अधिकारी पूरी ताकत के साथ इस अभियान में जुट गए हैं। ना कोई कोताही, ना कोई ढिलाई। सरकार ने जो 11 सवाल तय किए हैं, उनके इर्द गिर्द हर मदरसे की जाँच का ताना बाना बुना जा रहा है। जाहिर है पूरे सूबे में सर्वे के आगाज के साथ ही बवाल भी बढ़ता जा रहा है। सरकार का मानना है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच जरूरी है ताकि बच्चों की बेहतर तालीम के लिए ठोस योजना बनाई जा सके, लेकिन विरोधियों का साफ तौर पर मानना है कि दिक्कत जांच से नहीं नियत से है। सर्वे का सीधा सा मतलब है कि तमाम जगह के मैनेजमेंट में कहीं है कि नहीं है, वहाँ पर पढ़ाया क्या जा रहा है, वहाँ पर क्या क्या चीज होगा। इसके लिए जो मैनेजमेंट का व्यक्ति है वो और प्रधानाचार्य अल्पसंख्यक अधिकारी, इनकी एक समिति बनी है। एक हाथ में पवित्र कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, क्या गलत कर रही सरकार? सरकार को तो धन्यवाद देना चाहिए उलेमा को, और जो इसका विरोध करने वाले लोग हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ। अपने बच्चों को तो अंग्रेजी स्कूलों में जाके और दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में पढ़ाया, और इन बच्चों को जो बेचारे फटी हुई दरी पे पढ़ रहे हैं, उनको अगर मेज कुर्सी लगा के और उनको स्मार्ट क्लासेस को बना के, उनको कंप्यूटर हाथ में दे के, एनसीईआरटी की पुस्तकों को फ्री में देकर अगर हम पढ़ाना चाहते हैं सरकार, तो उसपे आपत्ति है। ये अभी तो मदरसों की जांच हो रही है आपकी, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आपके बावर्ची खाने में क्या बन रहा है उसकी भी जाँच होगी। ये दाल बन रही है कि मीट बन रहा है, मीट बन रहा है तो किसका बन रहा है? वहाँ सवाल पैदा होता है कि जांच करने वाला कितना घटिया और कितना अच्छा इंसान है कि वो मुर्गे के गोश्त को कैसे बीफ बनाएगा। ये है नियत का सवाल। अब जांच मदरसों की हो रही है, मदरसों में क्या रिपोर्ट लगा के भेजेंगे ये लोग, ये है असली सवाल। अब बिजनौर की इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ अभियान के पहले दिन ही 3 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए। 2 मदरसों को तो चंदे के आधार पर चलाया जा रहा था। तीनों मदरसों में से 2 मदरसे तो ऐसे मिले हमें जो टोटल दीनी तालीम ही दे रहे थे। एक मदरसा ऐसा था जो दीनी तालीम के साथ साथ पहली से 5वीं क्लास तक की क्लासेस भी लगा रहा था बच्चों को, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, जो हमारे आधुनिक विषय हैं, इस तरह के विषय भी पढ़ा रहा था। हाँ, इनमें से 3 में से 2 मदरसों में तो हमने ये पाया कि वो पूरी तरह से चंदे पर डिपेंड है, और उनके द्वारा बताया गया कि चंदा वो लोकल से लेते हैं। बिजनौर के बाद अब आपको बहराइच लेकर चलते हैं। आज तक की टीम ने यहाँ मदरसों को जांचा परखा, और उससे जो निकल कर सामने आया वो खुद देख लीजिए। बहराइच में अगर सरकारी आंकड़ों की माने तो 301 रजिस्टर्ड मदरसे हैं, और इनमें से 11 मदरसों को फंड दिया जाता है, लेकिन करीब 600 से 700 मदरसे ऐसे हैं जो नॉन रजिस्टर्ड हैं। हम बहराइच के रुपैडीहा इलाके में एक दूसरे मदरसे में भी आए हैं, यहाँ पर भी अभी क्लासेस ही चल रही हैं, उन्हीं लोगों से बात करेंगे कि क्या नाम है, क्या है मदरसा, क्या नाम है इसका आपके? मदरसा जामिया कासमिया नासरुल उलूम। अच्छा, मानता है? मान्यता है? स्टेशन है, मानता तो नहीं, रजिस्ट्रेशन है सर। फंड मिलता है सर? नहीं, सरकार से कोई फंड नहीं है इसमें। तो कैसे खर्च चलता है? बस ये 100 रुपया रोज, वही सब घर वाले जो देते हैं, 100-150 घर हैं, उसमें 100 रुपया डेली, मतलब रोज महीने का 100 रुपया मिलता है, उसी से चलता है। तो कितने घर हैं इधर? 150 घर हैं। 150 घर से 100 रुपए महीना, यानी 15,000 रुपए आप ले लेते हैं, महीना आता है। जी जी। मौलवी साहब, ये बताइए, आप अभी पढ़ा भी रहे थे, ये बताइए इन बच्चों को कौन कौन से विषय पढ़ाते हैं आप? कि सिर्फ उर्दू अरबी ही पढ़ाते हैं या कुरान का ही ज्ञान देते हैं, मतलब क्या क्या पढ़ाते हैं?
उर्दू अरबी कुरान भी पढ़ाई जाती है। हाँ। बाकी हिंदी गणित ये सब विषय नहीं, सब पढ़ा कोई कोई आते पढ़ते हैं, जिसको पढ़ना अगर होता है तो वो पढ़ते हैं, आते हैं तो उनको पढ़ा दिया जाता है। हाँ नहीं, वो भी बच्चे आते हैं, कुछ हिंदी इंग्लिश भी पढ़ते हैं। हाँ कुछ बच्चे आते हैं वो पढ़ते हैं। फिलहाल शासन और प्रशासन की तैयारी ये है कि 5 अक्टूबर तक हर हाल में सर्वे पूरा किया जाए। ये पूरा सर्वे 11 सवालों पर आधारित होगा। 10 अक्टूबर को सर्वे रिपोर्ट हर जिले में डीएम को दे दी जाएगी और फिर 25 अक्टूबर तक जिलाधिकारी शासन को सारी रिपोर्ट्स भेज देंगे। अधिकारियों ने साफ तौर पर मदरसों को चेतावनी दी है कि वो खुद सूचना दे दें, वरना सर्वे टीम खुद पहुंचेगी। मौके पर सूचना ना देने वाले को सर्वे से बाहर कर दिया जाएगा। यूं तो सर्वे में 11 सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन जिन 3 सवालों को लेकर मदरसों में हड़कंप मचा हुआ है वो सवाल है कि मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, उन्हें चलाने के लिए पैसा कौन देता है और वो किस समूह या संस्था से जुड़े हुए हैं। कि ये जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं जो और हमको गाली देते हैं, आज वो खामोश क्यों है? आज खामोश क्यों है भाई? मदरसों पे सर्वे हो रहा है, खामोश क्यों है? बोलिए ना, नहीं बोलेंगे तो ये इनकी हिपोक्रेसी है, ये इनका दोहरा चेहरा है जो बुरी तरह से लोग एक्सपोज हो रहे हैं। जाहिर है इन सवालों से होने वाले खुलासे कई मदरसों की दिक्कतों को बढ़ा सकते हैं। बिजनौर से संजीव शर्मा, बहराइच से संतोष शर्मा और दिल्ली से राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।